अक्सर अपने विवाद खबरों से चर्चा में रहने वाले पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं। कभी महंगाई को लेकर, तो कभी युवाओं के रोजगार, तो कभी किसानों से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। इस बीच उन्होंने एक बार फिर घटते रोजगार को लेकर सरकार का घेराव किया और उन्होंने आंकड़े शेयर करते हुए बताया कि पिछले 5 साल में रोजगार दर घटकर सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि आखिर संघर्षशील युवा कब तक इंतजार करेगा। वहीं बीजेपी नेता वरुण गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, युवाओं में रोजगार दर 20.9% से घटकर 10.4% रह गई है। यह पिछले 5 वर्षों में सबसे न्यूनतम स्तर पर है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने सभी विभागों से रिक्त पड़े 10 लाख पदों को भरने का आग्रह किया, पर अब तक कोई भी विभाग ठोस कार्य योजना नहीं बन सका। संघर्षशील युवा कब तक इंतजार करेगा। वहीं वरुण गांधी ने एक चार्ट शेयर किया है जिसमें 14 से 25 वर्ष के आयु वर्ग में रोजगार की घटती दर को दर्शाया गया है। चार्ट के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2017 में रोजगार दर 20.9% थी, जो कि 2018 में घटकर 17.9% हो गई। इसके बाद मार्च 2019 में ये दर घटकर 15.5% पर पहुंच गई। मार्च 2020 में एम्प्लॉयमेंट रेट घटकर 14.7% के स्तर पर पहुंच गया। वहीं साल 2021 में इसकी स्थिति में भारी गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान ये दर 10.9% के स्तर पर आ पहुंची। वर्तमान साल यानी 2022 में रोजगार दर 10.4% दर्ज की गई है। दरअसल यह पहला मौका नहीं है जब बीजेपी नेता युवाओं के हित में अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हों। वे इससे पहले भी रोजगार और युवाओं से जुड़े कई मुद्दों पर बेबाकी के साथ बोलते नजर आते हैं। इससे पहले उन्होंने 9 अगस्त को अपने एक ट्वीट में लिखा, देश भर में प्रतियोगी छात्र लगातार संघर्षरत हैं, लटकी हुई भर्तियाँ और लटका हुआ भविष्य, युवा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय, कभी आंदोलन तो कभी कोर्ट के चक्कर काट गवा रहा है। अब भी हम रोजगार सृजन को लेकर गंभीर नहीं हुए तो युवाओं के साथ साथ राष्ट्र का भविष्य भी अंधकार में चला जाएगा।